नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव स्टाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इन बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि ये कैसे अपने वर्क को यहाँ पर कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ ये अपने दैनिक जीवन को सफल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी पंकज जी, आप बताइए, आप ये फ़ोन कैसे चला लेते हैं? ये मैं जी ट्रैकपैड की सहायता से चला लेता हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जी जी, और इस टाइम मैंने इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल फुल कर दी है और ये बिल्कुल होम पेज पे है। जी जी, तो ये जैसे कि मैं ये सब कुछ बोल रहा है, जैसे कि मैं फ़ोन पे उंगली रखूँगा फ़ोन बोलेगा, कॉन्टैक्ट, फिर प्ले म्यूजिक, फिर मैसेज, फिर ये जो सब एप्लीकेशन वगैरह होती है, यानी टॉकिंग सॉफ्टवेयर की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। हाँ जी, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि टॉकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से ये बच्चे अपने जीवन को सफल बना रहे हैं और जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं नॉर्मल वो टॉकिंग मोड से कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर भी आप देख रहे हैं, इस कंप्यूटर को भी ये बच्चे आसानी से चला पा रहे हैं और इस कंप्यूटर में भी वही टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोन में अभी आपने देखा है। आगे चलते हैं हम, आप देख रहे हैं दानेदारी किताब है। हाँ जी बताइएगा जी आशाराम, आप इन किताबों को कैसे पढ़ रहे हैं सर, बताइए। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, मैं आशाराम पानीपत ब्लाइंड स्कूल हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी जी, और ये जो ब्रेल किताब है जी जी, इसको ये ब्रेल लिपि के आधार पर है, इस ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। जी सर, और इसको हम ये जो ब्रेल है वो 6 डॉट्स पर आधारित है। जी सर, जैसे हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इधर होता है। जी जी, जब पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 वो इधर साइड होता है। जी जी, जैसा कि मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ जी सर, जैसे माँ बाल महाभारत कथा है। जी सर, पढ़ के सुना रहा हूँ। जी जी, इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन दिन बढ़ती जा रही थी, चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर है ही नहीं, वह कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से भी अंधा है। जी बस, थैंक यू। और यहाँ पे देखा कि आपने दानेदार लिपि के माध्यम से ये बच्चे पढ़ रहे हैं जिसमें आंखों का कोई काम नहीं है, और पुराने टाइम में हमारे जो फौजी लोग रहते थे तो वो भी ऐसे ही वर्क करते थे। हाँ जी रौनक जी, आप क्या कर रहे हैं? सर ये हमारी ब्रेसलेट है। जी जी, हम इसे पढ़ना सीखते हैं। जी सर, इसमें ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। हाँ जी, ऐसे स्टाइलिश की सहायता से लिखते हैं। जी, तो यहाँ पे देखा आपने ये इसको बोलते हैं ब्रेल स्लेट, आगे भी आप देख रहे हैं एक जर्मनी स्लेट है और एक इंडियन स्लेट है। हाँ जी सर बताइएगा आप। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है, ब्लाइंड स्कूल में एज ए ब्रेल क्लर्क हूँ। हाँ जी सर, और ये बच्चे इसने बच्चे ने दिखाई स्लेट, इसको ब्रेल स्लेट ये राइटिंग बोलते हैं। जब स्टार्टिंग बच्चों की हम लोग करते हैं जी सर, उनको स्टडी कराने के लिए, तो उनको इसी स्लेट से लिखवाया जाता है। जी सर, और इसको बोलते हैं जर्मनी। जब बच्चे थोड़े से आगे परिपूर्ण हो जाते हैं इसके अंदर, तो फिर इसकी सहायता से हम लिखवाते हैं। मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। जी सर, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है। हाँ जी सर, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, इस पर लिखते हैं, देखो इस पर लिखा है, आज की इस अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। जी सर, और हमारा भारत यूं ही आगे बढ़ता जाए। जी सर, कहने का मतलब ये है कि दाएं से बाएं हम यहाँ पर लिखते हैं और बाएं से दाएं इसको पढ़ा जाता है। यस सर जी, क्योंकि जब लिखते हैं तो 1 2 3 जो है ये ऐसे आ जाएगा। जी सर, और उल्टे टाइम इधर आ जाएगा। जी सर, इस तरह से। और आपको मैं इधर में स्लेट खोल के भी दिखा देता हूँ। हाँ जी सर, ये आप देख रहे होंगे। हाँ जी, इसमें 6 6 ताने हैं, तो 6 डॉट से हम सब पूरी जितनी भी दुनिया की लैंग्वेज है। हाँ जी सर, कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो मर्जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, स्वागत है आपका रात के अंदर विद्यालय पानीपत के पर। जी सर, मैं आपको विषय में बताऊंगा कि किस तरह से छोटे बच्चों को या 10वीं तक के बच्चों को हम कैसे करवाते हैं। हाँ जी सर, जो नेत्रहीन जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा गणित करवाना थोड़ा आवश्यक रूप से कठिन माना जाता है और होता भी है, क्योंकि कठिन जो हम मैथमेटिक्स के जो टिप्स हैं और जो उसके लॉजिक्स हैं उनको हम बोर्ड पर लिख करके देख करके जल्दी समझ सकते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए डॉक्टर सिंह के लिए इसमें कुछ किया है, वो इस तरह से है जो हम ये आप जो सामने मेरे देख रहे हैं, ये टेलर फ्रेम है। जी सर, इसको विलियम टेलर ने सन 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनाया था। जी सर, और जो ये आप देख रहे हैं जिसके अंदर हम लिख के देख रहे हैं, इसका अक्षर बना माना जाता है। हाँ जी सर, ये टाइप है। हाँ जी, क्योंकि टाइप की 2 साइड होती हैं, एक बार साइड होती है, एक पिन साइड होती है। जी सर, जो आप इसमें छिद्र देख रहे हैं ये छिद्र ऑक्टागन की शेप के हैं। हाँ जी सर, इसमें अष्टभुजाकार के जो ऑक्टागन के शेप में जो छेद है ये इसके सारे अक्षरों का निर्माण करेंगे। हाँ जी सर, मैं इसको एंगल वाइज जब लिखता हूँ इस तरह से तो ये 1 माना जाता है। इसको थोड़ा घुमा के करता हूँ तो 2 लिखा जाएगा, अगले एंगल में लिखूंगा 3 लिखा जाएगा, फिर 4 5 6 7 और वापिस आकर के 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी सर, 9 को लिखने के लिए मैं इसको चेंज कर दूंगा पिन अप की साइड से। हाँ जी, 9 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, डेसिमल और लास्ट में इक्वल टू हो जाएगा। बिल्कुल सर,
अच्छा फिल्म के लिए हम ये करते हैं, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जो मेरे हाथ में जो गेंद है ये नेत्रहीन बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए है। जी सर। ये भी बहुत समय पहले इजाद कर दी गई थी, NIVS के ही एक साथी थे, उन्होंने इसका वो ले रखा है कि उन्होंने इसको इजाद किया है। हाँ जी सर। इसमें जो है आवाज करने के लिए कुछ छर्रे डाले जाते हैं, जिसको हम इस तरह से हिलाते या फेंकते हैं तो ये आवाज करती है। जी सर। इसको अंडर आर्म फेंकते हैं बच्चे, नेत्रहीन बच्चे इसको इसकी आवाज सुन करते हैं तो शॉट लगाते हैं। क्रिकेट के वही नियम होते हैं सारे के सारे, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया वो सुविधा के मुताबिक किया गया, ये ब्लाइंड बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ज्योमेट्री किट है, बच्चों को ज्योमेट्री सिखाने के लिए तरह तरह के शेप्स बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये मेरे पास जो है ये स्केल है, स्केल पे भी हम ब्रेल नुमा जो आकृतियाँ हैं वो छपी हुई है, इसको रीड करते हैं इस तरह से, बच्चे को छूकर करते हैं। ये ज्योमेट्री किट है, यहाँ पर आप जैसे शेप देख रहे हैं, ये शुरू में स्केल की शेप है, इसके बाद एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अलग अलग क्वाड्रेंट बने हुए हैं, ये क्वाड्रेंट बच्चों को समझाते हैं कि किस तरह से किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं, स्केल का एरिया निकालते हैं, ट्रायंगल कैसे बनेगा जी, हम उसको यूज करते हैं। ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, हाँ जी, ये बच्चों को एंगल जानने के लिए कि कौन सा एंगल कितने पे गया है, एंगल की परिभाषा को समझाने के लिए जी। और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक ये जैसे मेरे पास अबेकस है, हाँ जी। ये अबेकस है, आपके अबेकस को लिखने का अलग अलग नोटेशन होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, हाँ जी सर। वो मैं आपको अगले वीडियो में या आप लोग रिपोर्ट करेंगे उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा। जी सर, जी सर। और मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी गणित से संबंधित है। जी सर। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चेस। हाँ जी, बताइए बताइए, आप बताइए चेस के बारे में। चेस एक बहुत ही लोकप्रिय गेम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक चेस बोर्ड है, और इसमें जो है ब्लाइंड लोग जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बंदूक के साथ अगर बंदूक करके खेलते हैं। हाँ जी। लेकिन इसमें ये होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो देख के खेलते हैं, और ब्लाइंड लोग जो हैं वो लैंग्वेज के साथ खेलते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे साइड में लैंग्वेज लिखा हुआ है। हाँ जी। जैसे कि मेरे को मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे है, इस मान लो कि आप यहाँ पे है, मतलब आप ये बताइए कि इनको पहचाना जैसे कैसे जाता है, मतलब ये दो पार्टों में डिवाइडेड है, कलर की पहचान आपको नहीं है, तो आप इनमें अंतर कैसे करते हैं कि दूसरे आदमी? अंतर ऐसे होता है कि जैसे कि ये है ब्लैक इधर की साइड और ये वाइट है, जो ब्लैक होते हैं इनको ऊपर एक नुकीला से ये है जी, डॉट होता है मतलब जी, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये ब्लैक है कि वाइट है। हाँ जी। इनके अलग अलग शेप होते हैं। हाँ जी। जैसे कि आप हाथी है ये। हाँ जी। इसका शेप अलग है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, आप ये ब्रेलर है आपके पास? ब्रेलर है जी। जी, नंदवाल स्कूल पानीपत से। हाँ जी। सबसे पहले आपको मैं ये ब्रेल पेपर है। हाँ जी। इस ब्रेलर है। हाँ जी। परकिंस कंपनी का है, परकिंस एक USA में अमेरिका में ब्लाइंड स्कूल का नाम है। हाँ जी। इसके नाम पे ये ब्रेलर मतलब बना है, ब्रेलर का नाम रखा गया है। जी जी। और वैसे इंडिया में इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, वर्ल्ड ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है। हाँ जी। इससे मिलते हैं वो लोग, और आगे देश के विभिन्न हिस्सों में मतलब असेंबल होता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो इसका मेंटेनेंस है सारा कुछ है वो तो मतलब कि वर्थ ट्रस्ट में कर सकते हैं जी, मैनुफैक्चरिंग से लेकर के सारा कुछ इसका। हाँ जी। जो प्रिंस स्कूल मैंने बताया आपको जी, बिल्कुल। तो ये एक ब्रेल पेपर है जो इसमें आप सेट कर रहे हैं। A3 ब्रेल पेपर है। जी जी। इसको मैं सेट करके दिखाता हूँ। हाँ जी। तो एक रोल के माध्यम से ये पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं अंदर जा रहा है, और लगभग ये पूरे पेपर को समेट लेगा जहाँ तक हमारा अनुमान है। अनुमान आपका ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये थोड़ा मैंने बाहर इसलिए रख दिया, इसमें कई लोग आए थे देखने के लिए, उसमें कुछ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखने का ये होता है इधर, ये 1 है। हाँ जी। ये 2 है, ये 3 है। हाँ जी। और इससे ये स्पेस बार है। जी जी। ये 4, ये 5, ये 6। हाँ जी। अब जैसे मैं लिखता हूँ एक छोटा सेंटेंस। हाँ जी। आज लिखना है जैसे। हाँ जी। आज के बाद स्पेस, मैं बहुत खुश हूँ। जी, मतलब आपने वर्डों की कोड डाल दी इसमें, और जो कोड है वो यहाँ पे मुद्रित हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ये
बिल्कुल मुद्रित हो गया वैसे ही। हाँ जी, तो ब्रेल भाषा में इनको सिखाया जाता बच्चों को जी। तो यही है जी ब्रेलर के विषय में। तो बाकी इससे ऊपर अब तकनीक आ गई है, अब ब्रेलर का प्रचार हाँ जी धीरे धीरे थमता जा रहा है, क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित हो रही है। हाँ जी, तो अब तो प्रिंटर स्कैनर वगैरह भी आ गए हैं जो ब्रेल में ही प्रिंट करते हैं। हाँ जी, जैसे आप स्कैन करोगे प्रिंट बुक को रख दोगे ना, हाँ जी, उसमें कोड फीड करके आप उसको ब्रेल प्रिंट निकाल दे, तो आप थोड़ा सा इसकी कमी होगी, अब तो इसका प्रचार कम हो गया। हाँ जी, तो ये है राजेंद्र जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब हम अगले स्टॉल पे आ गए हैं जो GIB ब्लाइंड स्कूल की है। ऊपर से आप देख रहे हैं ये ब्लाइंड स्कूल नज़र आ रहा है। हाँ जी हिम्मत जी, बताइए आप ये कैसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे काम कर लेते हैं इसमें? इसमें जैसे पहले ताना बनाया जाता है। हाँ जी सर। और ताना और साथ में ये बनावटी बनाए जाते हैं। जी जी। और उसके बाद ऊपर ताना आएगा। हाँ जी। और ताने के बाद मतलब सिंचाई शुरू होगी। हाँ जी। और सिंचाई पूरी होने के बाद जीर के बाद सटी। यानी कि यहाँ पे आपने जो विश्लेषण किया ये कुर्सी बनाने की एक विधि है। हाँ हाँ जी जी। तो इसके माध्यम से मतलब नेत्रहीन जो व्यक्ति है वो अपना रोजगार खुद का शुरू कर सकता है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं आगे ये बच्चे डोंगल्स वगैरह बनाते हैं। हाँ जी बताइए, इनके बारे में कैसे तैयार किए जाते हैं? सर हमारे राजकीय विद्यालय पानीपत में डोने बसाने की मशीन है। हाँ जी सर। इसकी सहायता से जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जी जी, जिनका पढ़ने में रुचि नहीं होती है। हाँ जी। तो इन दोनों बनाने की सहायता से वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, जी। इन दोनों का हमें राजकीय विद्यालय में हलवे खीर के माध्यम से बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं और मंदिरों में भी दे रहे हैं। हाँ, मतलब ये रोजगार मिल रहा है इसकी सहायता से। ये किसी मशीन के द्वारा तैयार किए जाते हैं? उस मशीन काफी बढ़िया मशीन को यहाँ लाए हैं। और नेत्रहीन लोग इसमें सक्सेस हैं? पूरे बिल्कुल सक्सेस हैं। तो ये मतलब अपना खुद का रोजगार यहाँ से विकसित कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बताइए। आप जानते हैं कि जो साइंस है हाँ कितना प्रगति करता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो जो नेत्रहीन बच्चे हैं ना, उनके लिए साइंस ने टॉकिंग थर्मामीटर बनाया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसका नाम है टॉकिंग थर्मामीटर, बोलने हाँ वाला थर्मामीटर। जी जी बिल्कुल। ये आपको छोटा सा बटन दिख रहा है ऑन ऑफ का? हाँ जी। आपने ये बटन दबाएंगे हाँ जी, तो देखिए आप सर बोलेगा रेडी। ये सर बोले इसने रेडी। हाँ बिल्कुल, हल्की सी आवाज है, मतलब ये एक प्राइवेट यूज है तो इसलिए हल्की आवाज रखी गई है इसकी। जो नेत्रहीन बच्चे हैं ना, वो घर पे भी अपना बुखार चेक कर सकते हैं इसकी सहायता। हाँ जी। और जितना बुखार होगा वो टॉकिंग की सहायता से बोल के बताएगा। हाँ जी डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरे जो आपके पास सर ये है, ये ब्रेल विद टॉकिंग वॉच है। हाँ जी, ब्रेल वॉच का नाम है, ब्रेल विद टॉकिंग वॉच। ठीक है जी। जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं आपको पता ही है, जैसे ब्रेल में स्टडी करते हैं वो। हाँ जी। तो इसमें ब्रेल भी है। हाँ जी। ब्रेल की सहायता से बच्चे टाइम बता सकते हैं। हाँ जी। और मेन बात है टॉक सुन लीजिए, बोलते रहिए। ओके, यानी दोनों ही काम है, बोलती भी है और अगर मतलब शोर ज़्यादा क्राउड ज़्यादा सुन नहीं सकते तो वहाँ पे हम उंगलियों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ हमारे पास टॉकिंग कैलकुलेटर। जी सर। इसकी सहायता से जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं ना हाँ जी, वो प्लस माइनस जमा घुटा बहुत आसानी से जल्दी कर सकते। जैसे मान लीजिए अब मैंने 56 हाँ जी प्लस 32 इक्वल बता दी इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहा है मतलब। और ये जो कीबोर्ड है ये मतलब हाथ से टच करके हम पहचान सकते हैं इनके ना। इसने 4 दबाया, 4 बोला, 7, 7 इक्वल। हाँ ये मतलब नॉर्मल कैलकुलेटर की तरफ है, बस इसमें जो जो इसकी टॉकिंग प्रवृत्ति है वो इसको भिन्न बनाती है। हाँ जी, आप क्या दिखा रहे हैं जी? बना रही है, हाँ जी बनाया है। जी जी। बटन लगा रही है इसमें, सुई में ये नेडल थ्रेडर होता है, ये नेडल थ्रेडर है, इसकी सहायता से हम सुई में धागा डालते हैं जी। मतलब बिना देखे धागा डाल जाता है इसकी सहायता से, धागा डाल देती है। जी जी जी। धागा डाल के और ये बटन लगाना है, ये छोटे मोटे काम जो अपनी इनकी मूल आवश्यकता जो है। हाँ जी। हाँ जी कर लेती है अपना काम। हाँ जी आप देखो करके दिखा रही है। हाँ जी बच्चों बताओ आपको कैसा लगता है ये करना? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इन्होंने बनाया, ये मीना ने बनाया, ये दृष्टि ने बनाया है सॉक्स। अच्छा हाँ जी दृष्टि, आगे आप इस काम में जाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? ठीक है जी, बहुत अच्छा है। ये सरोज मैडम थी जो यहाँ पे दिखा रही थी आपको ये वर्क, और जैसा कि आपने देखा पूरे स्टॉल को अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से राजेश लड़की बटन लगा रही है। धागा डाल के दिखाइएगा राजेश। ये देखिए, बिना देखे आंखें नहीं है फिर भी ये धागा डालकर यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगी, तो देखिएगा। जी जी, ये इनके हाथ में एक थ्रेडर के माध्यम से धागा डाल रही हैं। वो काम जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं उन्हीं में ये लोग कर रहे हैं और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। अंधेरी दुनिया में ये उजाले का सफ़र कैसे नेत्र विद्यालय में यानी नेत्रहीन विद्यालय में आ रहा है,
वो आप देख रहे हैं। इसमें धागा डाल दिया जी, ये देखिए, ये आपके सामने इसने धागा डाल दिया है और इसके माध्यम से जब धागा डल जाता है तो समझ लीजिए पूरा काम हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। और ये बारीक से सुई में धागा डालना वास्तव में एक काबिल तारीफ काम है। नमस्कार मैम, बहुत अच्छा लगा आपके स्टोन। ये देखिए पूरी स्टोन, तो हम आपको बता दें कि द्रोणाचार्य स्टेडियम में आज विकलांग दिवस 3 दिसंबर पे ये प्रोग्राम था हमारा और यहाँ पे हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। नमस्कार।